तो यार हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट ईयर का रोड मैप डिस्कस करा था, तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर का रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जिसने भी फर्स्ट ईयर के रोड मैप की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि सारी चीजें रिलेवेंट है। और अगर आपने उस वीडियो को बिना देखे इस वीडियो को देखा तो आप मुझे पक्का गाली देने वाले हो। तो चलिए आज की यार जो वीडियो है इसमें मैं सेकंड ईयर का रोड मैप बताऊंगा। तो आपको मालूम है कि सेकंड ईयर जो होता है हमारे कॉलेज का, ये सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है पूरे चार साल का। जी हाँ, इस साल में आपने जो भी कर लिया यही आपकी प्लेसमेंट, यही आपका स्टार्टअप, यही सब कुछ आपका डिसाइड करता है। तो इसीलिए भाई सेकंड ईयर आपका बिल्कुल वेल प्लान्ड होना चाहिए। तो आप सेकंड ईयर में क्या क्या करना है तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो वीडियो एंड करी थी वो करी थी ऑप्स कॉन्सेप्ट के साथ, जी हाँ, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको कर लेनी है। अब जब आपका सेकंड ईयर शुरू होगा तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देना, आपको सीखना शुरू कर देना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने ऑप्स को नहीं कर रखा होगा, ऑप्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से कर ली तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी हाँ, बिकॉज अगर आप ऑप्स को नहीं करते हो तो भाई आपको डेटा स्ट्रक्चर में बहुत दिक्कत आने वाली है, आपको फिर से जाके ऑप्स को करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए प्लीज फर्स्ट ईयर में ही अपने ऑप्स कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेना, जिसके बाद ही आप डेटा स्ट्रक्चर पर आना। जी हाँ, आप बात आए थे कि चलो मान लिया भाई हमने ऑप्स कॉन्सेप्ट कर लिया, अब हम डेटा स्ट्रक्चर पर आ गए। तो अब डेटा स्ट्रक्चर करने कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, मेनली जो आपको डेटा स्ट्रक्चर करने हैं वो करने हैं आठ। जी हाँ, उसके अलावा और भी हैं, आपको वो भी करने हैं, लेकिन अभी नहीं, स्टार्टिंग में आपको ये आठ जो डेटा स्ट्रक्चर इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से इनके ऊपर मेहनत करनी है। अब जो पहला डेटा स्ट्रक्चर वो है एरे लिस्ट, जी हाँ, जो सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है वो लिंक्ड लिस्ट, और जो थर्ड डेटा स्ट्रक्चर है वो स्टैक, फोर्थ जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है क्यू, फिफ्थ जो है वो है सेट, सिक्स्थ है मैप, सेवन्थ है ट्रीज, और एट्थ है ग्राफ। जी हाँ, इनकी लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो आपको इनको सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और साथ ही साथ ध्यान रखना, जब भी आप इनको सीख रहे हो, जहां से भी सीख रहे हो, वो आपको ऑब्वियसली इनको लेकर क्वेश्चंस करवाएंगे, आप भी वहां से करना, इनको अच्छे से समझना कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज आता है। ठीक है, ये आपको मतलब कि एक डेढ़ महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा दो महीने के अंदर ये आपको अच्छे से कर लेना है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बेसिक्स जो है इनको अच्छे से कर लेना, दो महीने के अंदर किसी भी तरीके से इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और मुझे पता है एक महीने के अंदर वैसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दो महीने मान के चल रहा हूँ कि यार फिर भी कोई दिक्कत किसी को आती है तो वो फिर भी उस चीज को ओवरकम कर ले और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अब इसके बाद जो करना है ना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुके हैं या बनना चाहते हैं तो आपको ये दिमाग में आता होगा कि क्या इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग चल रहा है, कैसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉप एमएनसीज के द्वारा, आप अपनी कोर्स ऑफ रैंकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आए, यहाँ पे वो वीकली लाइव शोज होस्ट करते हैं। अब बात आ जाती है इनके होस्ट कौन होते हैं, तो जो इसमें होस्ट होते हैं वो सेवन स्टार कोडर्स होते हैं कोर्स ऑफ पे, वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, वो विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और वो काफी बड़ी टेक कंपनी के साथ जैसे कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो यार अनअकैडमी आपको काफी सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे एचआर टॉक्स मिल जाती है, यहाँ पे आप इनसे पूछ सकते हो कि आप क्या क्या एमएनसीज क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज के टाइम पे, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहता है, कैसे कैसे आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, कब कब अप्लाई करना होता है, इनके डेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको एचआर टॉक्स में मिल जाती है। आप इनको हर कुछ पूछ सकते हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा आपके रिज्यूमे भी रिव्यू किए जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे यार ब्लॉकचेन, जो भी आप टेक सीखना चाहते हो, आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड रहता है अनअकैडमी की तरफ से, आप यहाँ पे कुछ भी सीख सकते हो। तो यार साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहते हो जैसे जोमेटो, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी ऐप्स है, इनको बिल्ड कैसे किया जाता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है। तो जी हाँ, अनअकैडमी आपके लिए शो लेके आए जिसमें आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। इसमें अनुज आपको बताएंगे कि क्या इन पॉपुलर ऐप्स के पीछे आर्किटेक्चर ब्रेकडाउन रहता है, और जो सीखना चाहते हैं उनको पता चलेगा इन ऐप्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे ये काम करती हैं। जी हाँ, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 999 रुपीज का, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड नीति शर्मा यूज करते हो तो आप ये जो सब्सक्रिप्शन है 899 रुपीज में मिल जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद जो आ जाती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। जी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स तो कर लिए, अब इनकी इंप्लीमेंटेशन करना भी जरूरी है, जानना कि कहां कहां आती है। अब आप बोलोगे भाई हमने बेसिक कर तो लिए, नहीं बेसिक तो आपने कर लिए, लेकिन कोई एल्गोरिथम्स ऐसी होगी जहां पे दो दो तीन तीन डेटा स्ट्रक्चर्स एक साथ यूज हो रहे होंगे। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, वो चलेगा आपको प्रैक्टिस के साथ पता। अब आप बोलोगे कि भाई प्रैक्टिस शुरू कहां से करनी है, तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लीड कोड पे जाकर
उसकी जो तीन बेसिकली जो 200 डिफिकल्टीज होती है उसके क्वेश्चन की तीन लेवल्स होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। तो आपको इजी से शुरू करना है, आप धीरे धीरे बढ़ते जाना। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक एक क्वेश्चन करने को दो दो तीन तीन घंटे लगे, लेकिन घबराना नहीं है। दो टाइम आपके पास या 365 दिन है, 365 दिन में अगर आप एक दिन में भी एक क्वेश्चन करते हो ना, तो आप 365 दिन में 365 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन गारंटेडली आप जब पहले 10-50 क्वेश्चन करोगे ना, उसके बाद आप एक एक दिन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन करना शुरू हो जाओगे। तो इस तरीके से आप लीड कोड के क्वेश्चन आराम से कर लोगे। बट शुरू इजी से ही करना है, इजी से मीडियम, मीडियम से हार्ड, ये बेसिक आपको प्रैक्टिस अपनी रखनी है। अब यहाँ से तो आपकी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपको थोड़ा डेवलपमेंट साइड भी ध्यान रखना है। आपको अपने रिज्यूमे में कम से कम एक से दो प्रोजेक्ट तो रखने ही रखने। अगर आपको अमेजोन जैसे गूगल जैसी बड़ी कंपनीज को फोन है, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स को लेकर ही आपको जरूर पूछेंगे। साथ पहला स्टेप तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ही रहता है, लेकिन उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स पर जरूर आते हैं। तो इसलिए आपको एक से दो प्रोजेक्ट्स भी साथ ही साथ अपने प्रोफाइल में डालने हैं। उसके लिए आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगी। उसके लिए आप कुछ जो बेसिक आप चाहते हो सीखना, जैसे नोड सीखना चाहते हो बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए आप एंगुलर या रिएक्ट जो भी सीखना चाहते हो सीख सकते हो, और आपको प्रोजेक्ट्स जरूर बिल्ड करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। दिल से माथरी, दिल से हिंदुस्तानी, जय हिंद।